हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, इंडियन आर्मी को पीओके में देख खुशी से झूम उठे लोग। आर्मी पीओके में घुसी है, हमारी आर्मी पीओके में घुसी है, कोई लिखा हुआ है भैया इंडियन आर्मी पीओ में गई। देखते हैं क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता यार, ये तो न्यूज कमाल की है, पता करना पड़ेगा डिटेल्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, वीडियो दिखा रहे हमारी आर्मी है। खारी आप पीछे हो जाएं, खारी आप पीछे हो जाएं। यहाँ इंडियन आर्मी खड़ी, हमारे मुल्क में जो सियासी इंतजार है और माशी तौर पर जो हालात खराब हैं, उसका पूरा फायदा उठाने की इंडिया कोशिश कर रहा है। और इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, ये अगर सही भी ऑपरेशन था, मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा। गड़िया को कहते हैं वहां पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे। और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। कहा जाता है कि सवात में तालिबान है, पिशावर में तालिबान है, केपीके में तालिबान की तादाद बढ़ रही है। हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज की समझ है कि चीनियों के हाथ में ना वर्ल्ड बैंक है, ना IMF, क्या है उनके हाथ में? पाकिस्तानी कौम किसी तौर के ऊपर भी अपनी फौज एस्टैब्लिशमेंट के आला बॉसेस के साथ नहीं खड़ी हुई। लेकिन आप मुकाबले के लिए उनको हथियार भी चाहिए उस किस्म के। डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं से तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं, वो तो जंगी हो जाएगी फिर तो नहीं, जंग करने का कौन काबिल है? ये जंग करेंगे ये जो दुबई में महलात बनाते हैं और अमेरिका में जायदादें खरीदते हैं, तक सेंट्रल एशिया में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के काफी अंदर तक पेट्रोलिंग के लिए आई। सोशल मीडिया पर भारतीय आर्मी के पीओके में काफी अंदर तक जाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय आर्मी पीओके में खड़ी है और ये वीडियो पीओके के लोगों ने ही बनाया है। पीओके के लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी काफी अंदर तक घुस आई थी। इस समय पाकिस्तानी आर्मी का मोरल काफी डाउन हो चुका है। पाकिस्तानी जनता पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करती नहीं दिख रही। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के लोगों के बीच तनाव बना हुआ है। खासकर पीओके के लोग तो पाक आर्मी का खुलेआम विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक के पीओके की जनता भारत से कई बार मदद भी मांग चुकी है। अब भारतीय आर्मी के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में काफी अंदर तक घुस जाने से पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान दिखाई दे रहा है। हेली एक अमेरिकी सियासतदान है जो कि 29th एम्बेसडर रही हैं यकोमा मुजद्दा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हैं और 116वीं गवर्नर रही हैं साउथ कैरोलिना की। और कहा जा रहा है कि वो शी इज बिडिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ बिडिंग बोला समझती हैं कि उनको ये इलेक्शन लड़ना चाहिए और उनकी जो GOP है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, वो समझते हैं कि लेट्स सी ये क्या कर पाती है क्या नहीं कर पाती। लेकिन फॉर अ मोमेंट शी इज़ ऑल सेट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस जो इसका है अमेरिकन प्रेसिडेंट का। अब डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग है और निकी हेली की उतनी अप्रूवल रेटिंग नहीं है, लेकिन ये देखना भी है कि किस तरह ये चीज़ें जो हैं वो आइंदा क्लिक भी मारी जा रही है। पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ नोट्स पढ़ने में वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे। और वो कह रही है दुश्मनी पाकिस्तान। और मजे की बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पाकिस्तान दे रहे हैं। 46 दुश्मन नहीं बोला था, पाकिस्तान बोला था वो। उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, कुछ मुल्क। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया किसको, पाकिस्तान को। ये आई थिंक फॉक्स न्यूज से बात कर रही थी और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि
डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं से तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है, वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं जब जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है वो लगे हुए हैं, दे आर सच बोल रहे हैं, सच कड़वा होता है, हमें पता है। और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात रिपेयर किए हैं, जो पाकिस्तान के जो साबिक के वजीर आजम इमरान खान साहब ने जिन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अमरीका जो है उतना ताल्लुकात ही बंद कर छोड़, मैंने रहने नहीं, वो समझते हैं कि दुनिया में अमरीका है ही नहीं है, ये बंद कर दो, अमरीका को छोड़ दो। अब निकी एली कह रही है कि ये पाकिस्तान चीन इराक और इस तरह के जो लोग हैं ये अमरीका को मजबूत नहीं होने दे रहे और ये जो बैड गाइज हम इनको पैसे देते हैं और तमाम पैसा जो है वो मैं बंद कर दूँ। अब यहाँ पे आके स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखें रिपब्लिकन कैंडिडेट में रॉन डिसेंटिस हैं फ्लोरिडा से, उनकी आई थिंक अप्रूवल रेटिंग 24% है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की 52% है और हेली का मैंने चेक नहीं किया कि कितनी है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये इलेक्शन जीती हैं नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए VP ले लें या रॉन डिसेंटिस इनको अपने साथ प्लेयर कर लें, लेकिन लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब निकी हेली सुनने में आता है, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन सुनने में आता है ये जो निकी हेली है वर्ड जो निकी है दैट इज ये घर में आई थिंक छोटी थी या कुछ इस तरह की चीज मैंने सुनी, निकी मतलब छोटा ना, पंजाबी बैकग्राउंड है तो इनको निकी इसलिए छोटा हमारे पंजाबी में कहते हैं। सो ये लेकिन ऑब्वियसली शी इज नो मोर, वो उनका उस चीज से तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन हम उनको तो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन के लेंस से देख रहे हैं। अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है, हर बंदा एक ही चीज़ कह रहा है कि जी अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है, उधर भी ये लोग समझते हैं पाकिस्तान में, इधर हिली निकी हिली ये समझती है और उधर इसलिए समझ रहे हैं लोग कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है क्योंकि हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो उस तरह के लोग बैठे हुए हैं वो सारा टाइम प्रोपेगेंडा करते हैं और वो एक तरफ वो अमेरिका से मदद ले रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, पैसा ले लेके जो भी किया उनके पैसे से किया इन्होंने, ये बहुत ये जो डबल स्पीक है ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। एटलीस्ट अगर आप ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रांग कोऑपरेशन है तो नीचे अच्छे ताल्लुक रखें, लोगों तक अच्छी चीज पहुंचाएं। अब कोल्ड वॉर के जमाने में हमने अमेरिका से पैसे लिए, वॉर एंड टेरर में हमने अमेरिका से पैसे लिए और हमने क्या किया, अमेरिका हमारा दुश्मन है, नीचे सारी पब्लिक 10 में से आप आज वोट करा ले 7-8 बंदे कहेंगे हमारा दुश्मन है। ये किसका कमाल है, ये उन लोगों का कमाल है जो अमेरिका से ताल्लुकात बनाते बिगाड़ते तोड़ते और जोड़ते, ये वो लोग करते हैं। ठीक है जनाब, तो भाई यार ये तो पता चल गया कि हमारी जो आर्मी है वो POK के काफी अंदर तक घुसी, मगर पता नहीं हुआ क्यों गई, वो नहीं पता चला, क्लियर नहीं हुआ। पर ऑपरेशन ऑपरेशन तो बोला है, एक किसी का मुंह से सुना ऑपरेशन, अब कोई ऑपरेशन था कि जो उनको अंदर आना पड़ा उसके लिए वो मुझे पता नहीं चला। अगर आपको एक भाई साहब होता कि मैं ऑपरेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, हो सकता लेजिटिमेट, तो ऐसा लग रहा था वो ये बोले थे कि हो सकता है उनको ऑपरेशन सही था, ये सही काम के लिए था, मगर वहां पे अंदर जिनको करना होगा क्या था, मगर आप बताना आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी क्यों गई थी अंदर। और देख लो चुप बैठा है पाकिस्तान, नहीं तो पहले करता था, अब देखो सब चुप है, नहीं मतलब नहीं इंडिया तो कोई ऐसा अटैक नहीं कर रहा, कोई रीजन होगा, मैं रीजन के लिए गए होंगे, ऑपरेशन करके वापस आ गए होंगे, उसके डिटेल आई होप कि पता चले, बिल्कुल कोई ऐसी बात हुई होगी पीओ के अंदर, कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा अपनी सिक्योरिटी की वजह से। पर दूसरा ये जो इनको निकी हेली का वो हो रहा है, तो उनको पाकिस्तान बोलते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, दुश्मन देश, दुश्मन देश, दुश्मनों को, जो भी फुटेज दिखाई थी उसमें 4-5 ही थे सिर्फ, ऐसा कुछ वो तो पता नहीं अब कितनी, वो किसी ने दूर से खींची हो क्या था वो तो अब हमें पता नहीं है। पर निकी हेली का जो है वैसे चांसेस ऑफ हर विनिंग लग तो अभी रहे कम है, अब आगे देखेंगे आगे क्या होता है, पर जो बोला वो तो बड़ा मजेदार था यार, देख के सुन के बड़ी खुशी हुई थी कि कमाल है, क्लियर बोला है वो तो, और इन लोगों ने खुद ही बोला है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनमें इतनी हेट्रेड डाली हुई है अगेंस्ट अमेरिका और अमेरिकन्स, और वहीं से तुमको सारा फंड मिलता है, सारा पाकिस्तान जो बचा पड़ा है और जो बना था और जो बचा हुआ है पास्ट में भी और अभी प्रेजेंट में भी, वो अमेरिका की वजह से है। और देखो जिससे ले रहे हैं उसी के बारे में ऐसे बोलते हैं, ये पहली बारी मैंने देखा है। तो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।